नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हो बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ जो यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में से आया है। असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट निकल के आया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 281 निकल के आया है। क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में से बीटेक करके रखे हो तो अप्लाई कर सकते हो। सैलरी है 44,500 तक मिलने वाली है। कम्प्लीटली फ्रेशर्स वालों के लिए लास्ट डेट 13 नवंबर 2021 तक गया है। अगर आप लोग ऑल इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट निकल के आया है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, एज लिमिट क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर क्या है और एप्लीकेशन फीस क्या रखा गया है, एक एक करके हर एक चीज़ डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके बाद लास्ट में वेबसाइट में जाकर जाऊँगा और दिखाऊंगा कि कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की तरफ। तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में से आया है। असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट निकल के आया है। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीड्योर वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 13 अगस्त 2021 से। इसका जो पेमेंट, फीस पेमेंट करने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो है 10 नवंबर 2021 और इसका जो एप्लीकेशन फीस सबमिट करने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 13 नवंबर 2021। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन फीस, अगर आप लोग जनरल या तो जनरल या तो EWS कैंडिडेट हो तो उन लोग के लिए 225 रुपीज़ रखा गया है। अगर SC ST कैंडिडेट हो तो उन लोगों के लिए 105 रुपीज़ रखा गया है। अगर आप लोग हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो तो 25 रुपीज़ रखा गया है। एक सर्विसमैन वालों के लिए 105 रुपीज़ रखा गया है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के टाइम कुछ इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, आधार नंबर या तो ये सब अगर आप लोग गलत से सबमिट कर देते हो तो उसके बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी दिए जाएंगे जिसमें आप लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकल के आया है तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए आया है। मैं डिटेल्स में इस पोस्ट की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट EW डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल असिस्टेंट इंजीनियर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का पोस्ट निकल के आया है। सिविल वालों के लिए 36 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए 28 वैकेंसी है। नेक्स्ट है हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का निकल के आया है। टोटल 21 नंबर ऑफ वैकेंसी है। नेक्स्ट है नगर विकास विभाग के लिए, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर वाटर, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रैफिक वालों के लिए निकल के आया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो वाटर के लिए 14 वैकेंसी है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए 4 वैकेंसी है। जिसमें नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल सर्विस ग्रुप बी इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए पोस्ट निकल के आया है, जिसमें टोटल 4 नंबर ऑफ वैकेंसी है। नेक्स्ट है आवास एवं विकास परिषद के लिए, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल का पोस्ट निकल के आया है। सिविल में से 76 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 4 वैकेंसी है। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल वालों के लिए आया है। सिविल वालों के लिए 6 वैकेंसी है, मैकेनिकल वालों के लिए 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट है मेजर एडुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर वालों के लिए निकल के आए। टोटल 7 नंबर ऑफ वैकेंसी है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें मैनेजर इन सिविल, मैनेजर इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का पोस्ट निकल के आया। सिविल वालों के लिए 49 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए 5 वैकेंसी है। नेक्स्ट है होम पुलिस डिपार्टमेंट में, जिसमें चीफ फायर ऑफिसर का पोस्ट निकल के आया है। 13 नंबर ऑफ वैकेंसी निकल के आया है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जिसमें असिस्टेंट टेलीविजन इंजीनियरिंग का पोस्ट निकल के आया है। टोटल 1 वैकेंसी है। टोटल मिला के 271 वैकेंसी से। और उसके अलावा आपको स्पेशल रिक्रूटमेंट किया जाएगा जिसमें रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे होगा और उसके लिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वालों के लिए निकल के आया है। टोटल 10 नंबर ऑफ वैकेंसी है, बट इसमें SC एंड OBC वालों ने अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे स्केल की बात कर लेते हैं, तो पे स्केल आपका 15,600 से लेके 39,100 तक मिलने वाली है और उसके अलावा आपको ग्रेड पे 5,400 दिया जाएगा। तो नेक्स्ट जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो एक एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो मैं एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन PWD, अगर आप लोग BBTech इन सिविल इंजीनियरिंग करके रखे हो तो उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप लोग आर्मी पे कुछ 2 साल का काम किए हो या तो आपके पास NCC का बी सर्टिफिकेट है या तो 1 साल का ट्रेनिंग है तो इसके लिए अब उन लोगों को प्रेफरेंस दिए जाएंगे। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए, जिसमें अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में से BBTech करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, इसमें अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर
नगर विकास विभाग लिमिटेड, जिसमें अगर आप लोग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में से BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर ट्रैफिक वालों के लिए, जिसमें अगर आप लोग BBTech एंड सिविल इंजीनियरिंग करके रखे हो तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें अगर आप लोग एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पे BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में से पोस्ट ग्रेजुएट करके रखे हो, या तो आपके पास इंडियन टेरिटरी पे 2 साल का एक्सपीरियंस है, या तो NCC का बी सर्टिफिकेट है, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दिए जाएंगे। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल आवास एवं विकास परिषद में से, जिसमें आपका हिंदी लैंग्वेज रिटेन पे आपका नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको सिविल इंजीनियरिंग पे BBTech होनी चाहिए। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जिसमें हिंदी रिटेन लैंग्वेज पे आपका नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से BBTech करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वालों के लिए ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में से आया है, जिसमें अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा आपको 60% एग्रीगेट मार्क्स होनी चाहिए BBTech में। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए, जिसमें अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से BBTech करके रखे हो अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा आपको एग्रीगेट में 60% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, जिसमें अगर आप लोग सिविल मैकेनिकल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में से BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग में से, जिसमें अगर आप लोग BBTech इन सिविल इंजीनियरिंग करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है मैनेजर इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट, जिसमें अगर आप लोग मैकेनिकल इन तो इलेक्ट्रिकल में से BBTech करके रखे हो तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है चीफ प्री फायर ऑफिसर वालों के लिए, जिसमें अगर आप लोग नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर में से फायर इंजीनियरिंग में से डिग्री करके रखे, या तो मैकेनिकल केमिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में से BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट टेलीविजन इंजीनियर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, जिसमें अगर आप लोग इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में से BBTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल है, जिसमें रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में से आया है, जिसमें अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से BBTech करके रखे हो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग आर्मी पे 2 साल का काम किए हो, या तो आपके पास NCC का बी सर्टिफिकेट है, तो उन लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस दिए जाएंगे हर एक पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एज लिमिट, तो एज लिमिट इसका 21 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक एज लिमिट रखा गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेक्शन प्रोसीड्योर। तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर आपका 2 पार्ट में होने वाली है। फर्स्ट आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा, रिटेन एग्जामिनेशन होने के बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप लोग रिटेन एग्जामिनेशन पे क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंटरव्यू में जाने के टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है। फर्स्ट है आपका 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है, जिसमें 2 अटेस्टेड रहेगा और 2 विदाउट अटेस्टेड आपको लेके जाना है। और उसके अलावा आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है, और उसके साथ एक फोटोकॉपी बनाने के बाद उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अगर आप लोग SC ST कैंडिडेट हो तो उन लोग के लिए जो मिनिमम का क्वालिफिकेशन कट ऑफ रखा गया है वो है 35%। आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में 35% मार्क्स लाना है। और उसके अलावा अगर आप लोग जनरल है तो OBC कैंडिडेट तो उन लोग के लिए 40% मार्क्स आपको रिटर्न एग्जामिनेशन पे लाना है। रिटर्न एग्जामिनेशन होने के बाद आपका जितना नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाएगा वो है 1:2 रेशियो पे, यानी कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है उसका डबल आपको सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं तो इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है वो बेसिकली लखनऊ एंड प्रयागराज पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम का प्रोसीड्योर क्या है। तो एग्ज़ाम का प्रोसीड्योर बेसिकली आपका 2 पार्ट में होने वाला है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फर्स्ट होगा आपका रिटेन टेस्ट और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। रिटेन टेस्ट की बात करते हैं तो रिटेन टेस्ट में आपका 2 पेपर रहने वाला है। फर्स्ट पेपर में आपका जनरल इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है, जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेगी और उसमें 75 मार्क्स का होगा। उसके अलावा आपका टेक्निकल पार्ट में से रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहने वाली है और उसका जो 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल मिला के 375 मार्क्स का एग्जाम होगा और टोटल जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है वो 2 आवर्स 30 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपको रखा गया है। नेक्स्ट होगा पेपर टू में आपका करंट अफेयर्स जनरल स्टडीज ये सब में से आपका 25 क्वेश्चंस रहने वाली है, जिसमें 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। और उसके अलावा आपका टेक्निकल पार्ट में से 100 क्वेश्चंस रहने वाली है, जिसमें 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल मिला के 375 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 आवर्स 30 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। ये अगर आप लोग ये रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के आपको 850 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं तो इसका जो एग्जामिनेशन सिलेबस है वो हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग इसमें जो मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग आपके हिसाब से वो चीज़ देख लीजिएगा।
इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स और अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से चेक कर सकते हो। तो यह है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन, और इसके बाद मैं वेबसाइट में जाऊंगा और दिखाने वाला हूं कि कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि यह है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो upsc.up.nic.in, वेबसाइट पे आपको आना है। आने के बाद आपके लेफ्ट साइड में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें फर्स्ट में जो ऑप्शन है जिसमें अप्लाई ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके नीचे पे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें अगर आप लोग पहले से ही इसमें रजिस्ट्रेशन किए हुए हो तो उन लोग के लिए इसमें यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप लोग नहीं किए हो, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो उन लोग के लिए इसमें नो ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नो ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको इसमें वैलिडेट एंड प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह मिल जाएगा, तो वो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड लेके आपको फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपका पेमेंट फीस रहेगा, तो पेमेंट फीस आपको पे करना है। तो पेमेंट करने के बाद आपको जो थर्ड स्टेज होगा, थर्ड स्टेज में आपका फोटो सिग्नेचर देन जो भी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो आपका स्कैन कॉपी ये सब आपको अपलोड करना है। तो ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन और वीडियो का डिटेल्स। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं हर एक दिन ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन लेके आता रहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। अगर आप लोग मेरा वीडियो लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए और लेके आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।